जल अभिषेक का प्लांटेशन, फिर उसके बाद तीबे प्रवणे नमः गंगा वाह्यामि जमुना वाह्यामि हरे ओम स्वतंत्र पूर्वे शांति देवा ये देखो यहाँ आदेश नहीं है बिंदल जी आप आगे आओ जी। हरे ओम नमो नमस्ते स्वटिका प्रभाय सुसेतहराय सुमंगलाय सोपासहस्ताय दशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते पाशपाणे नमस्तभ्यं पद्मनि जीवनायकं यावत् कर्म समाप्यत तावत् सुस्थिरो भव ओम भूर्वास सरस्वती दिव्य नमः ध्यानम ध्यानार्थं पुष्पं समर्पयामि इसमें हाथ लगा करके हरे हे अम्मा सृष्टते लक्ष्मी च पद्म बहु रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो जातं महिकारः सर्वलोकं महिकारः सर्वोपचारार्थिकं दक्षपाणिं समर्पयामि बोलिए सरस्वती माता के बद्रे विशाल भगवती पते हर हर महादेव कसी भी चलाई हुई है भाई तो चलाई आप जी दिनी अच्छा रक्षा सूत्र आप जी दिनी नहीं चलाई लो कटारिया जी सूत्र भी फोटो आएगी आपकी पानी दे दो चलो ये आगे वाले बताओ पिछली बार तो आपने त्रिवेणी किया था त्रिवेणी लगाई थी जी 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 साहब वो ठीक चल गई वो अटल त्रिवेणी बस एक हो गया था मंत्री जी का सबका हो गया था अमित जाओ अगले बार खूब देखा जी धन्यवाद अब डाल देंगे सारा देंगे सॉरी भाई अच्छा कौन आया कौन नहीं आया वाला आप बॉस को इसलिए आपको रात में रखा है मैंने जरूरत भी नहीं रोज कहता पड़ा
कंपनी बननी रहेगी सर, कंपनी बननी रहेगी। आज भी विद्यमान है, सिर्फ इसको इसका पुनरुत्थान करने की जरूरत है, इसको संभालने की जरूरत है। आज भी ये लोगों को अपने समाज को वही पुण्य और वही लाभ दे सकती है जो अपने समय में जरूर बच्चों में उस समय देती है। सब इसकी पानी की एज भी है वो 14,000 मैक्सिमम पुराना था पानी मिला था 5,000 क्षेत्र के पास जगह है सर ईश्वरगढ़, इसके पानी की क्वालिटी बहुत अच्छी है सर और इसका फ्लो भी बहुत है सर। 12,000 एक मंत्र देवी का मिल महाराज की साइड पे है बंदा देव जी कहाँ भेजा इस साइड से सेंटर को मैडम सेंटर को केंद्रीय मंत्री जी उपस्थित हैं। सर आज आपने सरस्वती उद्गम स्थल का सारा दौरा किया, सब कुछ देखा, मंदिर में माथा टेका, इसके बारे में क्या निष्कर्ष निकला और किस प्रकार इसका विकास होना चाहिए? क्योंकि वैदिक मान्यताओं के अनुरूप माँ सरस्वती भारत की पौराणिक सभ्यता के विकास का आधार था और सिंधु सरस्वती सभ्यता ये अंततः भारत की सभ्यता के रूप में पूरे विश्व भर में जानी गई। हरियाणा सरकार इस सिंधु नदी के इस सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के प्रकल्प पर काम कर रही है और अभी कुछ टाइमलाइंस उन्होंने तय किया है। उस टाइमलाइंस के अनुरूप एक बार इसके ऊपर 2 बांध बना करके, एक हिमाचल प्रदेश की टेरिटरी में और एक एक बैरेज यहाँ बना करके, और इसके बाद में इस नदी को 200 किलोमीटर प्रवाह क्षेत्र तक ले जाया जाए। ये सारे एविडेंसेस से तय है, जितने साइंटिफिक एविडेंसेज हैं उन सब से तय है कि सरस्वती नदी का प्रवाह स्थल कच्छ, रन ऑफ कच्छ तक था। मैं जोधपुर जैसलमेर से आता हूँ, वहाँ हमारे यहाँ भी सरस्वती नदी पर शोध हुआ है और भूगर्भ के जल जिसे सरस्वती नदी का पानी आज भी लोग निकाल करके अपने उपयोग में ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से यह हम सब की जिम्मेदारी भी है कि हम सब लोग अपने इस पौराणिक धरोहर को, वैदिक धरोहर को पुनर्जीवित करने के लक्ष्य के साथ काम करें।